नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा में हुआ समझौता, ब्रिंगिंग पीस टू अफगानिस्तान दिया गया है नाम। अमेरिका और अफगानिस्तान सरकार के बीच भी हुए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर। नदी जोड़ो परियोजना के लिए एक विशेष निकाय पर काम कर रही है सरकार, नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी दिया गया है नाम। नदी जोड़ो परियोजना को लागू करने की रहेगी जिम्मेदारी। यूएनएचसीएचआर ने सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, विदेश मंत्रालय की तरफ से आई कड़ी प्रतिक्रिया, मंत्रालय ने भारत का आंतरिक मामला बताया। ओडिशा के तट पर मिली व्हेल शार्क, अपने भोजन के लिए फिल्टर फीडिंग तकनीक का इस्तेमाल करती है यह शार्क, सबसे बड़ी मछली और शार्क है व्हेल शार्क। और राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र की टीम ने नई डायग्नोस्टिक प्रणाली विकसित की, क्रिस्पर कैस 12 तकनीक का हुआ इस्तेमाल, किसी ट्यूमर में वायरस का पता लगाया जा सकता है इस तकनीक से। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। अफगानिस्तान में शांति बहाली को लेकर अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा में समझौता हुआ है। इस शांति वार्ता में भारत को भी आमंत्रित किया गया था। समझौते को ब्रिंगिंग पीस टू अफगानिस्तान की संज्ञा दी गई है। आपको बता दें कि इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान को ही तालिबान कहा जाता है, जिसे अमेरिका ने मान्यता नहीं दी है। भारत भी इसे मान्यता नहीं देता। वहीं काबुल में अमेरिका और अफगानिस्तान सरकार के बीच भी अलग से एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस शांति समझौते को अफगानिस्तान में 18 वर्षों से जारी युद्ध को रोकने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। समझौते के मुताबिक अगले 135 दिनों में अमेरिका 8600 सैन्य टुकड़ियों को वापस बुलाएगा। वहीं नाटो और दूसरे सैन्य गठजोड़ों को भी वहां से हटाने का फैसला लिया गया है। इसमें गैर राजनयिक सैन्य अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। अगले 14 महीनों में सभी सैन्य दलों को वापस बुला लिया जाएगा। इस अहम शांति वार्ता में तालिबान ने भी अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि तालिबान आगे से अलकायदा समेत अपने किसी भी सदस्य अथवा किसी दूसरे व्यक्ति या समूह को अमेरिका या उसके साथियों की सुरक्षा के खिलाफ किसी गतिविधि के लिए तालिबान क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करने देगा। हालांकि लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे दूसरे आतंकी संगठनों के विषय पर इस समझौते में जिक्र नहीं किया गया। इधर भारत ने इस समझौते पर चिंता जाहिर की है, क्योंकि भारत यूएसए का अलाई नहीं है। दरअसल समझौते में इस बात को लेकर स्थिति साफ नहीं है कि क्या यूएसए अलाई शब्द में भारत को भी शामिल किया गया है। हालिया शांति समझौते के तहत तालिबान पर लगाए गए यूएन के प्रतिबंधों को आगामी 3 महीनों में, जबकि 27 अगस्त तक अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिया जाएगा। बीते दिनों म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंत भारत दौरे पर रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच जहां एक तरफ मणिपुर के इम्फाल और म्यांमार के मांडले के बीच बस सेवा शुरू करने पर सहमति बनी, तो दूसरी तरफ म्यांमार के रखाइन प्रांत में नई विकास परियोजनाओं को लेकर भी बातचीत हुई। वहीं कैंसर रोगियों के उपचार के लिए मेडिकल रेडिएशन इक्विपमेंट्स और रिफाइनरी सहित पेट्रोलियम क्षेत्र में सहयोग पर भी जोर दिया गया। मेडिकल रेडिएशन इक्विपमेंट्स के तौर पर भारत म्यांमार को भाभाट्रॉन 2 सौंपेगा। भाभाट्रॉन कैंसर के इलाज के लिए स्वदेशी टेलीकोबाल्ट मशीन है। इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने विकसित किया है। बातचीत में भारत ने दोनों देशों की सीमा पर स्थित तामो प्वाइंट पर इंटीग्रेटेड चेक प्वाइंट के निर्माण में पर्याप्त सहयोग देने का वायदा भी किया है। गौरतलब है कि 2018 में दोनों देशों ने क्रॉस बॉर्डर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत मोरेह तामो प्वाइंट से दोनों देशों के लोगों की सीमा पार आवाजाही की सुगमता के लिए सहमति बनी थी। शासन के स्तर पर भारत म्यांमार को इलेक्ट्रॉनिक आईडी कार्ड्स के प्रोजेक्ट्स में भी मदद करेगा। म्यांमार में यह प्रोजेक्ट आधार कार्ड की तर्ज पर ही शुरू किया गया है। इसके साथ ही म्यांमार डिप्लोमेटिक अकेडमी की स्थापना में सहायता की जाएगी। इसके आगे दोनों देशों के नेताओं ने मानव तस्करी की रोकथाम, बचाव कार्य, रिकवरी, तस्करी के पीड़ितों के पुनर्वास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भी कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। म्यांमार में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए भी सहायता मुहैया कराई जाएगी। केंद्र सरकार नदी जोड़ो परियोजना को लागू करने के लिए एक विशेष निकाय बनाने पर काम कर रही है। इसे नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी नाम दिया जाएगा। प्रस्तावित निकाय के पास अंतर्राज्यीय और अंतरराज्यीय दोनों परियोजनाओं की जिम्मेदारी रहेगी।
इसके अलावा फंड्स जुटाने के लिए भी काम करना होगा। इसके गठन के लिए अभी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। आपको बता दें कि वर्तमान में 6 नदी जोड़ो परियोजनाएं अंडर एग्जामिनेशन हैं। इनमें केन बेतवा, दमन गंगा पिंजल, पार तापी नर्मदा, मानस संकोश तेस्ता गंगा, महानदी गोदावरी और गोदावरी कावेरी शामिल हैं। सबसे पहले भारतीय नदियों को जोड़ने का विचार ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर कॉटन ने दिया था, लेकिन तब इस दिशा में काम नहीं किया गया था। नदी जोड़ो परियोजना के तहत जल को सरप्लस बेसिन से जल की कमी वाले बेसिन में लाया जाता है। इससे सरप्लस वाले क्षेत्र को बाढ़ से, वहीं जल की कमी वाले क्षेत्र को सूखे की समस्या से निजात मिल सकती है। राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के दो घटक हैं, पहला हिमालयी नदी जोड़ो परियोजना और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी जोड़ो परियोजना। इससे मिलने वाले लाभों में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई सुविधाएं शामिल हैं। कई राज्यों द्वारा जताए गए विरोध के बाद UNHCHR कार्यालय ने CAA 2019 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों एप्लीकेशन दायर की। UNHCHR की इस हालिया शिकायत पर विदेश मंत्रालय की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। मंत्रालय के मुताबिक CAA 2019 पूरी तरह संवैधानिक है और इसे मानवाधिकारों के मद्देनजर ही लाया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि यह भारत का आंतरिक मसला है और भारत की संप्रभुता को देखते हुए कोई विदेशी इकाई कोर्ट नहीं जा सकती। आपको बता दें कि ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स मानवाधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की बड़ी इकाई है। इसे UN ह्यूमन राइट्स भी कहा जाता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक भाग है। दुनिया भर में हर स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए UN के नेतृत्व में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948, सभी तरह के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 1965, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा 1966 और आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा 1966 जैसे मुख्य उपबंध मौजूद हैं। वहीं प्रवासी कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सभी प्रवासी कामगारों और उनके परिजनों के अधिकारों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 1990 भी मौजूद है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों के अधिकारों के लिहाज से सभी तरह की असहिष्णुता और धर्म या विश्वास पर आधारित भेदभाव के उन्मूलन पर घोषणा को 1981 में अपनाया गया था। बीते दिनों सरकार ने नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और केंद्रीय सूचना आयुक्त का चयन किया। इस चुनाव के बाद से ही विपक्ष चयन की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। सरकारी नियुक्तियों के लिए नोडल मंत्रालय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है। आपको बता दें कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन के संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में किया गया था। यह एक सांविधिक संस्था है। यह सरकारी एजेंसियों को सतर्कता के क्षेत्र में सलाह और निर्देशन मुहैया कराता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग में अध्यक्ष व इसके सदस्यों के नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर होती है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक की उम्र जो भी पहले हो तक होता है। वहीं केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। आयोग की आधिकारिकता सभी केंद्रीय सार्वजनिक संस्थाओं तक है। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो तक होता है। बीते दिनों लोकसभा में प्राप्त एक जवाब के अनुसार चुनाव आयोग चुनावों की स्टेट फंडिंग के पक्ष में नहीं है। 1998 में इंद्रजीत गुप्ता समिति ने इस संबंध में सिफारिश की थी। इंद्रजीत गुप्ता समिति की मुख्य सिफारिशें कुछ इस तरह हैं। समिति के अनुसार स्टेट फंडिंग गरीब राजनीतिक पार्टियों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कराएगी। समिति ने इसमें एक सीमा भी लगाई थी कि स्टेट फंडिंग केवल राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के लिए ही होनी चाहिए। इसके अलावा मुफ्त सुविधाओं के रूप में फंडिंग मुहैया कराने की बात की गई थी। हालांकि समिति ने यह भी माना था कि भारत में आंशिक रूप से ही फंडिंग संभव है। भारत में स्टेट फंडिंग के लिए 1999 में लॉ कमीशन रिपोर्ट ऑन रिफॉर्म ऑफ द इलेक्टोरल लॉज, 2001 में नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और 2008 के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में भी सिफारिश की गई थी। आपको बता दें कि स्टेट फंडिंग में सरकारें राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए फंड मुहैया कराती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की एक पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है।
यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अक्टूबर 2019 में दिए गए एक फैसले पर दायर की गई थी। उस फैसले में फडणवीस को सूचना छिपाने के संबंध में मुकदमेबाजी का सामना करने का निर्देश दिया गया था। दरअसल उन्होंने 2014 के चुनावों के दौरान अपने दस्तावेजों में नागपुर कोर्ट में उन पर चल रहे जालसाजी और आपराधिक मानहानि के लंबित मामलों से जुड़ी कुछ जानकारियां छिपाई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर कोर्ट को फडणवीस के खिलाफ आरपीए यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 125A के तहत मुकदमा जारी रखने का निर्देश दिया था। आरपीए 1951 की धारा 125A में झूठे शपथ पत्र को दाखिल करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। इस धारा के मुताबिक यदि कोई उम्मीदवार स्वयं या फिर किसी व्यक्ति के जरिए अपने नामांकन पत्र अथवा शपथ पत्र में धारा 33A से संबंधित सूचना देने में असफल रहता है या जानते हुए भी मिथ्या सूचना देता है या कोई सूचना छिपाता है तो उसे अधिकतम 6 माह तक के कारावास या जुर्माने या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। आपको बता दें कि आरपीए 1951 की धारा 33A में सूचना के अधिकार का जिक्र है। इस धारा के मुताबिक चुनाव उम्मीदवार को धारा 33 के अलावा भी कुछ और सूचनाएं देनी होती हैं। इसमें उम्मीदवार के संबंध में कुछ इस तरह की सूचनाएं होती हैं कि क्या उसे किसी अदालत ने दोषी मानते हुए 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई है, अथवा धारा 8 में उल्लिखित किसी अपराध के अलावा क्या उसे किसी और मामले में अपराधी माना गया और 1 साल या अधिक की सजा सुनाई गई है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत कुल 32 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। लगभग 17 राज्यों में फैले ये प्रोजेक्ट्स 406 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर लगभग 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें ग्रामीण क्षेत्र को विशेष तौर पर फोकस किया गया है। आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकों से कृषि उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ने के साथ किसानों की आय भी बढ़ेगी। भारतीय किसानों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उपभोक्ताओं से जोड़ने में खाद्य प्रसंस्करण की महत्वपूर्ण भूमिका है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों, सरकार और बेरोजगार युवाओं के बीच एक लिंक के तौर पर अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर सकता है। पीएम किसान संपदा योजना का मुख्य मकसद प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन की क्षमता विकसित करना और वर्तमान फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का आधुनिकीकरण करना है। खाद्य क्षेत्र की असीम संभावनाओं को देखते हुए इसे उच्च वृद्धि और उच्च लाभ वाला क्षेत्र बताया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक 2020 तक खाद्य प्रसंस्करण बाजार के $543 बिलियन होने की संभावना है। आपको बता दें कि पीएम किसान संपदा योजना में कुल 7 कंपोनेंट स्कीम्स शामिल हैं। बीते दिनों ओडिशा में वेल शार्क तट के निकट बहकर आ गई थी। यह शार्क तट के निकट जीवित अवस्था में आई थी, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद इसे बचाया नहीं जा सका। 2000 केजी वजनी इस वेल की ऑटोप्सी से पता चला कि वो भूखी थी, इसीलिए भूख से बीमार होकर ही हाई टाइड में गहरे समुद्र से तट तक यह शार्क बहकर आ गई होगी। आपको बता दें कि वेल शार्क सबसे बड़ी मछली और शार्क है। ये खतरनाक नहीं होती, ये धीमी गति करने वाले स्तनधारी है। यह अपने भोजन के लिए फाइटोप्लैंकटन, माइक्रोएल्गी और स्मॉल सी एनिमल्स पर निर्भर होती हैं। प्लैंकटन पर निर्भर होने के कारण इनकी उपस्थिति महासागरों के स्वास्थ्य का भी सूचक है। वेल शार्क अपने भोजन के लिए फिल्टर फीडिंग तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। इसमें ये अपने मुँह में पानी भर लेती हैं, जिससे इनका खाना भी पानी के साथ अंदर आ जाता है। बाद में ये पानी को गिल्स के जरिए निकाल देती हैं। इनके शरीर पर इंसानों के फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक पैटर्न होते हैं, जिससे हर एक वेल की पहचान संभव है। ये दुनिया के सभी उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाई जाती हैं। गैलापागोस आइलैंड और इक्वाडोर के बीच स्थित सागरीय जल वेल शार्क के ब्रीडिंग ग्राउंड की तरह काम करता है। वेल शार्क का IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। इनके मांस, फिंस और तेल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग के कारण इनको खतरों का सामना करना पड़ रहा है। अनियमित मत्स्यन में ये बाइकैच का शिकार भी बनती हैं। वहीं शार्क टूरिज्म में बोट से इनके दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा भी बना रहता है। ओडिशा के चिल्का झील में अध्ययन के दौरान फिशिंग कैट और यूरेशियन ऑटर पाई गई हैं। फिशिंग कैट IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ स्थानों पर पाई जाती हैं। फिशिंग कैट जल में शिकार करती हैं। इसके पंजों की संरचना और जल प्रतिरोधी फर इसे आर्द्र भूमि में रहने लायक बनाते हैं। फिशिंग कैट एक रात्रिचर प्राणी है। यह मछली, मेढक, पक्षी और सर्प का शिकार करती है। भारत में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। इसे बाघ और हाथी की तरह ही संरक्षण प्रदान किया गया है।
फिशिंग कैट को कुछ प्रमुख खतरे इस तरह हैं। इनमें पहला है आर्द्र भूमियों का विनाश। आर्द्र भूमि फिशिंग कैट का पसंदीदा आवास है। दूसरा खतरा है असतत मत्स्यन पद्धतियों के चलते मछलियों का कम होना। वहीं तीसरा खतरा है इसका शिकार खाल के लिए भी किया जाता है। दूसरी तरफ यूरेशियन ऑटर का IUCN स्टेटस नियर थ्रेटेंड है। यह एक अर्ध जलीय स्तनधारी है। हालिया दिनों में अंटार्कटिका के उत्तरी प्रायद्वीप के तट पर स्थित एक रिसर्च सेंटर के आसपास रेड स्नो की स्थिति देखी गई। इसके बाद वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चिंताएं जताई हैं। रेड स्नो या वाटरमेलन एक खास स्थिति है जिससे बर्फीले इलाकों में बर्फ तेजी से पिघलती है। ऐसा माना जाता है कि अरस्तु पहले व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने रेड स्नो के बारे में लिखा था। अरस्तु ने बर्फ के लाल होने का कारण वहां पाए जाने वाले कीड़े मकोड़ों को बताया था। वैज्ञानिक आज इन्हें शैवाल कहते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ध्रुवीय और ग्लेशियर क्षेत्रों में खास शैवाल क्लेमाइडो मोनास निवेलिस पाए जाते हैं जिनमें खुद को गर्म रखने के लिए लाल वर्णक होता है। अलास्का पैसिफिक यूनिवर्सिटी द्वारा 2017 में किए गए एक शोध की माने तो रेड स्नो की वजह से बर्फ तेजी से पिघलती है। जब इस प्रजाति के और अधिक शैवाल एक जगह जमा होने लगते हैं तो बर्फ का रंग और ज़्यादा लाल होने लगता है। ये शैवाल बर्फ की एल्बिडो में बड़ा बदलाव करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन शैवालों से बर्फ की सतह द्वारा प्रकाश या विकिरण की मात्रा को परावर्तित करने की क्षमता में बदलाव आता है। इससे बर्फ पहले से अधिक ऊष्मा का अवशोषण करने लगती है और बर्फ तेजी से पिघलने लगती है। बर्फ का तेजी से पिघलना निश्चित ही खतरे का संकेत है, लेकिन इससे यहाँ पाए जाने वाले अति सूक्ष्म जीवों को जल की आपूर्ति भी हो जाती है। पृथ्वी की सतह से सौर्यक विकिरण के परावर्तन की मात्रा को एल्बिडो कहा जाता है। बीते दिनों वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार गंगोत्री हिमनद के आसपास के क्षेत्र में ब्लैक कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। इस वजह से पहले से ही कम हो रहा गंगोत्री हिमनद नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। ब्लैक कार्बन की इस बढ़ोतरी के लिए प्रमुख रूप से एग्रीकल्चर बर्निंग और फॉरेस्ट फायर को जिम्मेदार बताया गया है। आपको बता दें कि ब्लैक कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जलवायु परिवर्तन का दूसरा सबसे बड़ा कारक माना जा रहा है। यह प्राकृतिक और मानव जनित दोनों तरह की गतिविधियों से उत्पन्न होता है। मानव जनित गतिविधियों में जीवाश्म ईंधनों, बायोफ्यूल्स और बायोमास का अपूर्ण दहन शामिल है। इसके प्राथमिक स्रोतों में डीजल इंजन, खाना बनाने वाले स्टोव, जलाऊ लकड़ी और फॉरेस्ट फायर शामिल हैं। इसकी ऊष्मा अवशोषण क्षमता अच्छी होती है। यह हिमनदों के ऊपर जमा होकर उनके पिघलने की गति को तेज कर देता है। ब्लैक कार्बन पर्यावरण में कम समय के लिए ही रहता है। इसके उत्सर्जन को कम करके ग्लोबल वार्मिंग को तत्काल रूप से कम किया जा सकता है। गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट स्थित है। भारत की प्रमुख नदी गंगा गंगोत्री हिमनद से ही निकलती है। वाटर पॉलिसी नामक जर्नल में छपी खबर के मुताबिक बांग्लादेश, नेपाल, भारत और पाकिस्तान के हिमालयी क्षेत्र के 8 कस्बों की जलापूर्ति में लगभग 20-70% की कमी देखी गई है। इन देशों के 13 कस्बों में शहरी निवासियों की चुनौतियों को समझने के लिहाज से अध्ययन किया गया था। अध्ययन में इस स्थिति के लिए दो प्रमुख कारकों अनियोजित शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार माना गया है। जिन क्षेत्रों में अध्ययन किया गया वे अपनी जलापूर्ति के लिए मुख्य तौर पर झरनों पर निर्भर हैं। अध्ययन में चेताया गया कि यदि यही स्थिति रही तो 2050 तक मांग और आपूर्ति का अंतर बढ़कर दोगुना हो जाएगा। इन क्षेत्रों के समुदायों द्वारा शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी के तौर पर भूजल पर निर्भरता को बढ़ाना नाकाफी साबित हो रहा है। इससे निपटने के लिए एक व्यापक जल प्रबंधन रणनीति की आवश्यकता है जिसमें स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट और प्लांट एडेप्टेशन शामिल हो। अध्ययन में कुछ प्रमुख बातें निकलकर सामने आई हैं जो इस तरह हैं। इन क्षेत्रों में प्राकृतिक जल निकायों मसलन झरने, तालाब, झीलों, नहरों और नदियों का अतिक्रमण किया गया है। वहीं परंपरागत जल तंत्र मसलन स्टोन स्पाउट्स यानी शैलकृत फुहारे, कुएं और स्थानीय वाटर टैंक्स खत्म हो रहे हैं। एक चिंता यह भी है कि वर्तमान में हिंदकुश हिमालयी क्षेत्र की केवल 3% जनसंख्या बड़े शहरों में रहती है, लेकिन आंकड़ों के जरिए यह संभावना जताई जा रही है कि 2050 तक 50% से अधिक जनसंख्या बड़े शहरों में निवास करेगी, जो कि जल संकट को बढ़ावा देगी। बंगलुरु स्थित राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र की टीम ने मर्केल सेल कार्सिनोमा ट्यूमर्स में मर्केल सेल पोलियोमा वायरस की मौजूदगी का पता लगाने के लिए एक नई डायग्नोस्टिक प्रणाली विकसित की है।
मर्केल सेल कार्सिनोमा एक दुर्लभ तरह का त्वचा कैंसर है। इसका संबंध वृद्धावस्था, पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क और कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र से है। मर्केल सेल पॉलियोमा वायरस त्वचा से संबंधित माइक्रोबायोटा का ही एक हिस्सा होता है। यह मानव जीनोम के संपर्क में भी आ सकता है और जब यह म्यूटेशन से गुजरता है तो कैंसर की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। शोधकर्ताओं ने डायग्नोस्टिक प्रणाली को विकसित करने के लिए क्रिस्पर कैश 12 तकनीक का सहारा लिया है, जिससे किसी ट्यूमर में वायरस का पता लगाया जा सकता है। टीम ने शोध के दौरान DETECTR यानी DNA इंडो न्यूक्लियस टारगेटेड क्रिस्पर ट्रांस रिपोर्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया। इसमें शामिल तीन भागों आइडेंटिफायर, स्विच और रिपोर्टर में कैश 12A को एक स्विच यानी DNA कटिंग एंजाइम के तौर पर जोड़ा गया था। हाल ही में UNODC यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम ने इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट जारी की। दुनिया में नशीले पदार्थों के तस्करी को लेकर इस रिपोर्ट में चर्चा की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में गैरकानूनी ड्रग्स की ट्रैफिकिंग के बजाय अब फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है। इसकी खास वजह यह है कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की तस्करी पर थोड़े कम दंड का प्रावधान किया गया है। वहीं भारत उन देशों में शामिल है जहां बड़े स्तर पर फार्मा ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होती है। भारत में बड़े पैमाने पर कानूनी और गैरकानूनी ड्रग्स का विनिर्माण किया जाता है। कानूनी ड्रग्स के विनिर्माण और आयात निर्यात से जुड़ी अनिवार्य और स्वैच्छिक सांख्यिकी रिपोर्ट जमा न करने को लेकर UNODC ने भारत को फटकार लगाई है। इसके अलावा भारत ने रॉ मटेरियल डेटा भी जमा नहीं किया है, जिसे फॉर्म पी के तौर पर जाना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक तस्करी और हेरफेर से हासिल होने वाले और गैरकानूनी तौर पर विनिर्मित ट्रामाडोल नाम से बिकने वाले उत्पादों के संबंध में भारत बड़ा स्रोत रहा है। ट्रामाडोल एक अफीम निर्मित दवा है जिसे नशा करने या मनोविनोद के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है। ट्रामाडोल को वैश्विक स्तर पर प्रतिबंधित किया गया है। वहीं कोडीन आधारित दवाइयाँ जिन्हें दर्द निवारक और खांसी रोकने के लिए उपयोग में लाया जाता है एवं फेंसेडिल जो कि एक कफ सिरप है, दोनों को ही भारत में आए दिन जब्त किया जाता है क्योंकि इन्हें भी नशा करने के मकसद से उपयोग में लाया जाता है। रिपोर्ट में एक और खास दवा फेनोबार्बिटल के व्यापार का उल्लेख किया गया है। यह दवा WHO की आवश्यक दवाओं की उस सूची में शामिल है जिसे एपिलेप्सी के उपचार में यूज किया जाता है। एपिलेप्सी तंत्रिका तंत्र से जुड़ा एक विकार है जिसमें मानसिक गतिविधियां असामान्य या धीमी हो जाती हैं। हाल ही में इंक्वाइस यानी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ने तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों और जलयानों पर किए जाने वाले ऑपरेशंस की विभिन्न ज़रूरतों पर ध्यान देने के लिहाज से उत्पादों का एक ट्रायल लॉन्च किया है। इससे इंक्वाइस के लोगों को समुद्री क्षेत्र में आने वाली विभिन्न समस्याओं से निपटने में आसानी होगी। इनमें शामिल एक उत्पाद SVAS यानी स्मॉल वेसल एडवाइजरी एंड फोरकास्ट सर्विसेज सिस्टम शामिल है। SVAS से कई सारे छोटे समुद्री जलयानों, खासकर मत्स्यन में उपयोग किए जाने वाले जलयानों पर होने वाले ऑपरेशंस में काफ़ी सुधार आएगा। SVAS संभावित खतरे से बचने के लिए यूजर्स को अलर्ट भेजेगा। यह वार्निंग सिस्टम बोट सेफ्टी इंडेक्स पर आधारित होगा। दूसरा प्रोडक्ट स्वेल सर्ज फोरकास्ट सिस्टम है। यह तटीय इलाकों में रहने वाली बड़ी आबादी को समुद्री तरंगों का पूर्वानुमान कर चेतावनी जारी करेगा। इससे दक्षिण हिंद महासागर से अचानक उठने वाली समुद्री तरंगों से होने वाले नुकसान से बचने के लिए पहले ही सूचना मिल सकेगी। केरल के पश्चिमी तट पर अचानक आने वाली इन तरंगों को कल्ला काडल भी कहा जाता है। मुख्य रूप से प्री मॉनसून के समय अचानक से आने की प्रवृत्ति के कारण इसे कल्ला काडल कहा जाता है। इस स्थानीय टर्मोलॉजी को विश्व मौसम संगठन और यूनेस्को दोनों ही मान्यता दे चुके हैं। इंक्वाइस ने ABIS यानी एल्गल ब्लूम इन्फॉर्मेशन सर्विस भी लॉन्च की है। ABIS के जरिए शैवाल प्रस्फुटन यानी एल्गल ब्लूम से जुड़ी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। शैवाल प्रस्फुटन से तटीय मत्स्यन को नुकसान तो होता ही है, साथ ही साथ तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी तक 4 ब्लूम हॉटस्पॉट्स की पहचान की गई है जिनमें शामिल हैं उत्तर पूर्वी अरब सागर, केरल का तटीय जल, मन्नार की खाड़ी और ओडिशा के गोपालपुर का तटीय जल क्षेत्र। इंक्वाइस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। यह अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन की एक इकाई है। देश में समुद्र से जुड़ी सभी सूचनाएं सरकार और लोगों को उपलब्ध कराना इंक्वाइस का मुख्य कार्य है।
बायोटेक्नोलॉजी फॉर बायोफ्यूल्स नामक जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार ICGEB यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने मरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिनेकोकोकस SPPCC 7002 की वृद्धि दर और इसके शुगर कंटेंट में सफलतापूर्वक सुधार किया है। इसका प्रयोग बायोफ्यूल उत्पादन में किया जाएगा। बायोफ्यूल का उत्पादन एक जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया है। गौरतलब है कि अधिकांश जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाएं शर्करा और नाइट्रोजन स्रोतों की सतत और कम कीमत पर उपलब्धता पर आधारित होती हैं। परंपरागत रूप से यह शर्करा पौधों से प्राप्त होती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को जैविक तत्वों मसलन शुगर प्रोटीन और लिपिड में तब्दील करते हैं। वहीं कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया या ग्रीन ब्लू एल्गी भी प्रकाश संश्लेषण के जरिए शर्करा का उत्पादन कर सकते हैं। इनमें शर्करा उत्पादन की क्षमता स्थल आधारित फसलों की तुलना में अधिक होती है। साइनोबैक्टीरिया बायोमास नाइट्रोजन का भी स्रोत मुहैया कराता है। साइनोबैक्टीरिया ताज़े और समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। ताज़े जल का स्रोत कम होने की स्थिति में बायोफ्यूल उत्पादन के लिए समुद्री साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग करना बेहतर होगा। समुद्री साइनोबैक्टीरिया पर आधारित शर्करा उत्पादन को आर्थिक रूप से संभव बनाने के लिए वृद्धि दर और शुगर कंटेंट में सुधार जरूरी है। ICGEB के वैज्ञानिकों का शोध इसी दिशा में किया गया प्रयास है। आपको बता दें कि ICGEB एक स्वायत्त अंतर सरकारी संस्था है। सिनेकोकोकस SPPCC 7002 एक यूनिसेलुलर यूरीहेलाइन साइनोबैक्टीरिया है। जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के लिए इसमें अपार संभावनाएं हैं। बीते दिनों चेन्नई के एक अस्पताल में किए गए एक अध्ययन के दौरान आधे से ज्यादा सैंपल्स में CRB यानी कोलेस्टीन प्रतिरोधी बैक्टीरिया की मौजूदगी पाई गई है। यह भारत में पहला ऐसा अध्ययन है जिसमें आंतों के भीतर CRB के अप्रत्यक्ष सबूत मिले हैं। कई शोधों में इस बात का खुलासा किया जा चुका है कि लोगों के शरीर में पाए जाने वाले जीवाणुओं में दवाइयों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि देखी जा रही है। इस नज़रिए से यह शोध भी अहम हो जाता है क्योंकि कोलेस्टीन ही आखिरी एंटीबायोटिक है जिसे सभी एंटीबायोटिक्स के असफल होने के बाद उपयोग में लाया जाता है। काफ़ी उच्च स्तर के दवा प्रतिरोधी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार के लिहाज से ही डॉक्टर्स कोलेस्टीन के उपयोग की सलाह देते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक CRB की उत्पत्ति अस्पतालों या खाद्य पदार्थों में हो सकती है, जहाँ एक तरफ अस्पतालों में उत्पन्न CRB कार्बापेनम सहित दूसरे एंटीबायोटिक्स के प्रति कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते, वहीं दूसरी तरफ खाद्य पदार्थ जनित CRBs कार्बापेनम के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। कार्बापेनम भी एक एंटीबायोटिक है जिसे उच्च स्तर के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में यूज किया जाता है। शोध में CRB के जितने मामले पाए गए हैं उनमें 70% खाद्य पदार्थ जनित CRB हैं। इससे पहले 2018 में ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पत्रिका में छपे एक लेख में भी पोल्ट्री और कच्ची सब्जियों में बड़े पैमाने पर CRB क्लेब्सिला के पाए जाने का जिक्र किया गया था। इसकी मुख्य वजह यह बताई गई थी कि पोल्ट्री में उपचार के लिए बड़े स्तर पर कोलेस्टीन का यूज किया जाता है। 28 फरवरी को देश भर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। इस बार के कार्यक्रम की थीम वुमेन इन साइंस थी। इस दौरान राष्ट्रपति ने विज्ञान के क्षेत्र में लैंगिक समानता और महिलाओं को बढ़ावा देने के मकसद से 3 नई पहलों की घोषणा की। इनमें से विज्ञान ज्योति पहल का मकसद हाई स्कूल की छात्राओं के प्रोत्साहन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है ताकि वे अपनी उच्च शिक्षा स्टेम यानी साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में प्राप्त कर सकें। वहीं गति यानी जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस पहल स्टेम क्षेत्र में लैंगिक समानता के आकलन के लिहाज से एक समग्र चार्टर और फ्रेमवर्क विकसित करेगी। इसके अलावा राष्ट्रपति ने महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी संसाधनों हेतु एक पोर्टल की घोषणा की है। इस पोर्टल पर महिलाओं से जुड़ी सरकारी योजनाओं, स्कॉलरशिप्स, फेलोशिप्स, करियर काउंसलिंग संबंधी ई रिसोर्सेज उपलब्ध कराए जाएंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर USA की नेशनल साइंस फाउंडेशन रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक विज्ञान और इंजीनियरिंग के जुड़े प्रकाशन के मामलों में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि देश की वैज्ञानिक संस्थाओं, शोधशालाओं और स्वायत्त वैज्ञानिक संस्थाओं में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाने और उसे समर्थन देने के लिए नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन नोडल एजेंसी के तौर पर काम करती है। SEZ से माल की खरीद स्थानीय खरीद की परिभाषा के दायरे में आएगी।
हाल ही में सरकार ने साफ किया कि विदेशी स्वामित्व वाली सिंगल ब्रांड खुदरा कंपनियों द्वारा SEZ से खरीदे गए माल को भी स्थानीय खरीद यानी लोकल सोर्सिंग नॉर्म्स के तहत माना जाएगा। DPIIT यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने कहा है कि ऐसी कंपनियां सेज इकाइयों से जो माल खरीदती हैं वह भारत में विनिर्मित या उत्पादित होना चाहिए। साथ ही FDI नीति में उल्लेखित और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत अधिसूचित सभी शर्तों का अनुपालन विनिर्माण इकाई की जिम्मेदारी रहेगी। दरअसल निर्यात हब के रूप में विकसित सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सीमा शुल्क कानूनों के संदर्भ में विदेशी क्षेत्र के रूप में माना जाता है। इन क्षेत्रों की इकाइयों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को आयात के रूप में माना जाता है। इस वजह से सिंगल ब्रांड खुदरा विक्रेताओं के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। आपको बता दें कि लोकल सोर्सिंग नॉर्म्स के अंतर्गत 51% से ज़्यादा FDI प्राप्त करने वाले सिंगल ब्रांड खुदरा कारोबार में विदेशी कंपनियों को भारत में कारोबार करने के लिए अपनी बिक्री के कम से कम 30% के बराबर का सामान भारत में बनाना या खरीदना अनिवार्य है। वर्तमान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट से 100% विदेशी निवेश की अनुमति है। डिजिटल कंपनियों से कर वसूलने के लिए OECD यानी आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन वैश्विक नियम तैयार कर रहा है। हाल ही में OECD ने कहा है कि अगर सभी देशों द्वारा टैक्स के नए नियम अपनाए जाते हैं तो इससे वैश्विक स्तर पर $100 बिलियन का अतिरिक्त टैक्स कलेक्शन हो सकता है। OECD ने BEPS यानी बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पहल के तहत डिजिटल कंपनियों से इस राशि के भुगतान की बात कही है। इस संदर्भ में भारत का पक्ष है कि गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी डिजिटल कंपनियों से कर उगाही में उस देश में उपयोगकर्ताओं की संख्या को आधार बनाया जाना चाहिए। OECD का कहना है कि या तो उस देश को कर लगाने का अधिकार दिया जाए जहां बौद्धिक संपदा पंजीकृत हो, या फिर उन देशों को जो कि उन सेवाओं का उपयोग करते हैं। OECD इन कंपनियों द्वारा संबंधित देश को कम से कम 12.5% कर के भुगतान की बात कर रहा है। फिलहाल भारत में ये कंपनियां 6% इक्वलाइजेशन लेवी के तौर पर टैक्स देती हैं। ऐसे में नए नियम भारत के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। भारत जैसी बहुत सी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाएं हैं जहां बड़ी डिजिटल कंपनियों की उपस्थिति तो कम होती है पर उसके एंड यूज़र बहुत ज़्यादा होते हैं। ये कंपनियाँ कर नियमों की कमियों का लाभ उठाकर टैक्स अवॉइडेंस कर लेती हैं जिस पर कोई कानूनी सख्ती भी नहीं की जा सकती। इसी से निपटने के लिए OECD और G20 ने BEPS नियम बनाए हैं जो कि टैक्स अवॉइडेंस के मार्फत उचित कर का भुगतान नहीं करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर आरोपित होता है। बीते दिनों केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री और वित्त मंत्री ने देश की सभी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। MSME मंत्रालय की मुख्य योजनाओं पर चर्चा बैठक के केंद्र में रही। इसमें खास तौर पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रगति पर ध्यान दिया गया। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और CGTMSE यानी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की एक फ्लैगशिप योजना है। सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के क्रियान्वयन के क्रम में भारत सरकार और SIDBI ने मिलकर CGTMSE को स्थापित किया था। वहीं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक क्रेडिट लिंक्ड स्कीम है जिसके तहत सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना कर स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया जाता है। विनिर्माण के लिए 25 लाख रुपए तक जबकि सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण हेतु सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय 35% तक की सब्सिडी देता है। आपको बता दें कि इस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के तौर पर काम करता है। राज्य स्तर पर राज्य खादी और ग्रामोद्योग आयोग, वहीं जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्र और बैंक इसका क्रियान्वयन करते हैं। क्रिप्टो करेंसी डेवलपर्स ने हाल ही में कोरोना क्वाइन नाम की डिजिटल करेंसी विकसित की है। इस करेंसी से व्यापारी इस बात पर शर्त लगाएंगे कि कोरोना महामारी से कितने लोग बीमार हैं या मरे हैं। इसकी वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के मुताबिक कोरोना क्वाइन की सप्लाई वैश्विक जनसंख्या पर आधारित होगी। इसके लिए हर 48 घंटे में टोकन जारी किए जाएंगे जो संक्रमित या मृत लोगों की संख्या पर आधारित होंगे। कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की संख्या के आधार पर इनके मूल्य बढ़ने की बात भी की जा रही है।
गौरतलब है कि चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस अब विकराल रूप धारण कर चुका है। आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल करेंसी होती है जिसे क्रिप्टोग्राफी के जरिए सुरक्षित रखा जाता है। इस वजह से इसकी जाली मुद्रा नहीं बनाई जा सकती। सामान्य तौर पर इन्हें कोई केंद्रीय प्राधिकरण जारी नहीं करता। क्रिप्टो करेंसी के संबंध में किए जाने वाले सभी ट्रांजेक्शन्स को ब्लॉकचेन तकनीक से रिकॉर्ड किया जाता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtis.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई। विषय के आधार पर जारी हुई इस रैंकिंग में भारत की उच्च शिक्षण संस्थाओं के 26 विभागों ने टॉप 100 में जगह बनाई है। IIT दिल्ली के 5 और IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IISc बंगलुरु के 3-3 प्रोग्राम टॉप में जगह बना पाने में सफल रहे। नए आंकड़ों पर नजर डालें तो टॉप 100 क्लब में भारत ने न केवल अपने प्रदर्शन में सुधार किया है बल्कि दुनिया की सबसे बेहतर 50 विभागों में अपनी संख्या बढ़ाने में सफल रहा है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने हाल ही में आदेश जारी कर MP सरकार को सभी शिक्षण संस्थाओं सहित राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग्स को उपभोक्ताओं के लिए सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वह राज्य में छोटी औद्योगिक इकाइयों के गठन को प्रोत्साहित करे। कोर्ट ने राज्य सरकार से सार्वजनिक जगहों पर सिंगल यूज प्लास्टिक क्रशिंग मशीन लगाने को कहा है। इसके अलावा उस प्लास्टिक अपशिष्ट को तापीय ऊर्जा संयंत्रों में उपयोग करने के भी आदेश दिए गए। 8 मार्च को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। 2020 के लिए इस विशेष दिवस की थीम IM जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग विमेंस राइट्स होगी। वहीं कैंपेन थीम ईच फॉर इक्वल निर्धारित की गई है। भारत सरकार इसे खास बनाने के लिए 1-7 मार्च के बीच कुछ अभियान चला रही है। 7 दिन से चल रहे इस अभियान के लिए हर दिन अलग अलग थीम तय की गई है। मसलन शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, महिलाओं का सशक्तिकरण, कौशल और उद्यमिता एवं खेलों में भागीदारी, विशेष परिस्थितियां, ग्रामीण महिलाएं एवं कृषि और शहरी महिलाएं। आगामी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मद्देनजर केंद्रीय HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक सहित अन्य ने चिपको आंदोलन से जुड़ी कार्यकर्ता गौरा देवी को याद करते हुए पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। बता दें कि उत्तराखंड में वृक्षों को कटने से बचाने के लिए 1970 के दशक में कुछ स्थानीय लोगों ने सुंदरलाल बहुगुड़ा और चंडी प्रसाद भट्ट सहित अन्य के नेतृत्व में आंदोलन किया था। उन्होंने वृक्षों को कटने से बचाने के लिए वृक्षों से चिपकने की तकनीक अपनाई। इस आंदोलन को ही चिपको आंदोलन के रूप में जाना जाता है। हाल ही में अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एंटी लिंचिंग बिल पारित कर दिया गया। इसे एमेट टिल एंटी लिंचिंग एक्ट नाम दिया गया है। कानून के तहत लिंचिंग को संघीय घृणास्पद अपराध माना गया है जिसके लिए अधिकतम आजीवन कारावास या जुर्माने या दोनों का प्रावधान किया गया है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है। बिल में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि 1882 से 1968 के बीच US में कम से कम 4700 अफ्रीकन अमेरिकन लिंचिंग यानी भीड़ हत्या का शिकार हुए हैं। बीते दिनों PM मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने कंपनी सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2019 को अपनी मंजूरी दे दी। इससे कंपनीज एक्ट 2013 में संशोधन किया जाएगा। नए संशोधन में डिफॉल्ट को अपराध नहीं माना गया है। गौरतलब है कि 2013 के कानून के तहत डिफॉल्ट के मामले को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इससे पहले 2015 में भी कंपनीज एक्ट 2013 के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कानून में संशोधन किया गया था। देश के 6200 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर 1-7 मार्च के बीच जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जन औषधि केंद्र कार्यकर्ताओं द्वारा स्वास्थ्य और सफाई को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस दौरान
सुविधा से सम्मान थीम पर आधारित महिलाओं के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। बता दें कि प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना केंद्र सरकार के औषध विभाग द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण पहल है, जिसका लक्ष्य गरीबों के लिए गुणवत्तापूर्ण दवाओं की कम कीमतों पर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि नकली पासपोर्ट की छपाई और नोटों की जालसाजी को रोकने के लिए CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने एक बायोल्यूमिनेसेंट सिक्योरिटी इंक विकसित की है। यह इंक 254 नैनोमीटर और 365 नैनोमीटर पर दो अलग अलग संदीपन स्रोतों से प्रकाशित होने पर लाल और हरे रंग में चमकने लगती है। नई तकनीक को पासपोर्ट और सरकारी कागजातों की प्रामाणिकता की जांच करने में उपयोग किया जा सकेगा। हाल ही में अमेरिका स्थित फ्रीडम हाउस नाम के एक संगठन ने फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट जारी की। इस वैश्विक सर्वे के मुताबिक भारत दुनिया के सबसे कम स्वतंत्र लोकतांत्रिक देशों में शामिल है। रैंकिंग में भारत को सेनेगल और तिमोर लेस्ते के साथ 83वें पायदान पर रखा गया है। भारत के स्कोर में 4 अंकों की कमी आई है और उसका स्कोर 71 है। स्कोर में आई गिरावट के लिहाज से देखें तो दुनिया के 25 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में यह सबसे बड़ी गिरावट है। भारत को नागरिक स्वतंत्रता की श्रेणी में 60 में से मात्र 37 अंक ही मिले हैं। पिछले दिनों दुनिया भर के अखबारों में एक घटना काफी चर्चा में रही है, जिसमें प्रवासियों से भरी एक नाव के लेस्वोस द्वीप के पास पलट जाने से बच्चे के मरने का जिक्र किया गया है। बता दें कि लेस्वोस ग्रीस का ही एक द्वीप है जो एजियन सी में अवस्थित और तुर्की से मितिलनी स्ट्रेट से अलग होता है। एजियन सी भूमध्य सागर के उत्तरी भाग में है। तुर्की और ग्रीस दो देश एजियन सी से सीमा साझा करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के जरिए देश में क्रिप्टो करेंसी बाजार में निवेश और व्यापार करने को मंजूरी दी है। यह फैसला RBI द्वारा जारी 2018 के उस सर्कुलर से अलग है, जिसमें RBI ने सभी बैंकों और उसके द्वारा विनियमित इकाइयों को बिटकॉइन सहित सभी क्रिप्टो करेंसीज में डील न करने का आदेश दिया था। कोर्ट के इस फैसले से व्यापारियों और निवेशकों को क्रिप्टो करेंसी से संबंधित एक्सचेंज डीलिंग में राहत मिलेगी। बता दें कि सरकार ने देश में क्रिप्टो करेंसी के नियमन के लिए बिल का प्रारूप तैयार किया है, जिसमें राज्य द्वारा जारी क्रिप्टो करेंसी को छोड़कर सभी क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने का प्रावधान शामिल है। वर्तमान सत्र में सरकार ने राज्यसभा में दिए गए एक जवाब में ई वेस्ट की रिसाइकलिंग पर जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक 2018-19 में 2017-18 के मुकाबले दोगुनी मात्रा में ई वेस्ट की रिसाइकलिंग की गई है। ई वेस्ट की रिसाइकलिंग किए जाने के संबंध में यह बड़ी सफलता है, क्योंकि 2017 की ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार 2017 में भारत को दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ई वेस्ट उत्पादक देश माना गया था। उस रिपोर्ट के मुताबिक भारत हर साल लगभग 2 मिलियन टन ई वेस्ट का उत्पादन करता है। बीते दिनों लोकसभा में एक सवाल के जवाब में संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री ने बताया कि देश में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों की सुविधाओं में वृद्धि के लिए पर्यटन मंत्रालय ने इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च कर चुकी है। बता दें कि IITFC प्रोग्राम एक अखिल भारतीय ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम है, जहां एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भरा जा सकेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों की टीम तैयार करना है। इसमें दो श्रेणियां बेसिक और एडवांस हैं। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।